खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS ने रेफरल पॉलिसी तैयार कर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब एक अस्पताल के डॉक्टर किसी गंभीर मरीज को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर उसे अपने हाल पर नहीं छोड़ सकते। आपको बता दें कि पहले डॉक्टरों को दूसरे अस्पताल के नोडल अधिकारी से बात करनी होगी, वही बेड उपलब्ध होने पर ही डॉक्टर मरीज को दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर कर सकेंगे। देहरादून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि अगर रेफरल पॉलिसी का सही तरीके से पालन किया जाए तो गंभीर मरीजों को इलाज के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अमनीश गुप्ता की खास रिपोर्ट। मैं चाहूंगा कि इसको लेकर इस नीति के बनने से पहले भी हम लोग की हमेशा एक बातचीत और ये डॉक्टर को जानकारी चलती रहती है कि कभी भी किसी मरीज को अनड्यू रेफर ना किया जाए। हमेशा रेफर करने के पहले हम लोग अगर दूसरे अस्पताल से सामंजस्य बना लें कि वहाँ भी बेड खाली है क्या नहीं, तो एक बहुत अच्छा रहता है। कई बार मरीज भी इस तरह की जानकारी अपने आप जुटा लेते हैं। तो ऐसे में सरकार ने भी चूँकि एक रेफरल नीति दी है तो उसको हम पूरी तरह लागू करने का प्रयत्न यहाँ कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मरीज की भलाई के लिए है कि मरीज जहाँ भी रेफर किया जाए वो, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि मरीज को बिना बात ही रेफर किया जाए। अगर हमारे पास पूरी सुविधा है, बेड खाली है, तो ज़रूर से हम उस मरीज को यहाँ पूरी सुविधा देने की कोशिश की जाती है। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास ICU बेड की नीड है और ICU नहीं है और अगले 12 घंटे के अंदर उसे ICU ना मिलने की उम्मीद भी है, तो ऐसे केस में रेफर करना कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। या कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं है और जहाँ मैं रेफ़र करना चाह रहा हूँ वहाँ स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद है, तो ऐसे किसी केस में, और ये सब भी डॉक्टर्स को मालूम रहता है, इसके हम ऊपर एक वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं बहुत जल्दी, तो इन चीज़ों को पूरी तरह लागू किया जाएगा मरीज की भलाई।